सरकार में अमित शाह गृह मंत्री पद पर हैं। अमित शाह पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के अमित शाह पर रिश्वत देकर बिहार में काम कराने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने 22 नवंबर को अपने ट्वीट में लिखा कि सुशील मोदी का अमित शाह जी के बारे में सनसनीखेज खुलासा है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अमित जी रिश्वत देकर वर्षों पहले बिहार में काम कराते थे। तेजस्वी ने अपने ट्वीट के साथ सुशील कुमार मोदी का एक वीडियो भी डाला। दरअसल वीडियो में सुशील मोदी कह रहे हैं कि एक छोटी सी बातचीत के दौरान उनसे ये पूछा कि आप पहली बार बिहार कब आए थे, तो अमित शाह ने बताया कि 20-25 साल पहले जब मैं पाइप का बिजनेस करता था, यहाँ पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पानी के पाइप की सप्लाई की थी और उसका जो भी बकाया था उसका भुगतान नहीं हो पा रहा था, उसके लिए यहाँ आया था। उन्होंने आगे कहा कि काम तो हो गया लेकिन मत पूछो कि कैसे हुआ। कांग्रेसियों की जो नीति है मुझे उसी का सहारा लेना पड़ा, तब मुझे अपना भुगतान प्राप्त हुआ। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वो कांग्रेस की संस्कृति थी और आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के तहत जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं कोई भी वहां उंगली नहीं उठा पाया। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार कांग्रेस की नीति रही है, उनके राज में बिना पैसे के लेन देन के कोई काम नहीं होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।